हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं फिंगरप्रिंट लॉक के बारे में। जैसे कि हम फिंगरप्रिंट लॉक को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ, मतलब सेट कर सकते हैं सॉरी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाना है और आपको इस तरीके से आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर जाना है और जो भी आपका पासवर्ड है उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपका लॉक है उसे ओपन, मतलब फिंगरप्रिंट को इस तरीके से फर्स्ट फिंगरप्रिंट कर सकते हैं ऐड। दो बार करना होता है एक ही फिंगरप्रिंट को, कंफर्म पे क्लिक करेंगे, दो बार सेट करना होता है इस तरीके से। ये देखिए कन्फर्म हो जाएगा और ये आपका सेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये देखिए ऐड ए फिंगर, यानी कि सेकंड फिंगर को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐप लॉक पर अपना फिंगरप्रिंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना प्राइवेसी पासवर्ड डालना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन अनलॉक, यानी कि स्क्रीन को अनलॉक करने के लिए हम फिंगरप्रिंट का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर है प्राइवेट सेफ, प्राइवेट सेफ में जाएंगे, यहाँ पर आपको प्राइवेट सेफ में भी आपको अपना प्राइवेसी पासवर्ड डालना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं रीनेम, रीनेम करना चाहते हैं रीनेम कर सकते हैं, अदरवाइज़ डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।